मीटिंग में काफ़ी तलखी रही और वार्ड 11 की कोमल सैनी जो पार्षद है वो हमारे साथ हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जिनके जो हाथ मारते हैं टेबल के ऊपर उन्हीं के काम होते हैं, इनको ये बात क्यों कहनी पड़ी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपने ये बात क्यों रखी? हमारे वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल है जो काफ़ी टाइम से टूटा हुआ पड़ा था और विधायक जी, जो मुख्यमंत्री की ग्रांट आती है वो विधायक जी ने स्कूल के लिए दी, 80 लाख रुपए स्कूल के लिए विधायक जी ने दिए हुए हैं, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने स्टे ले लिया वहाँ पे, तो उसकी वजह से स्कूल का काम रुका हुआ है। और जो आसपास के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो 5th क्लास तक का स्कूल है, तो उन बच्चों को एक धर्मशाला में बैठना पड़ रहा है और एक धर्मशाला के नीचे 150-200 बच्चे बैठते हैं, तो क्या वो अपनी पढ़ाई को समझ पाते होंगे और क्या ही वो कर पाते होंगे स्कूल में? हम सब उस स्थिति को समझ सकते हैं। और उस स्कूल में धर्मशाला के अंदर ही मंदिर भी है, 11 बजे तक लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं, घंटियां बजाते हैं, बच्चों का पूरा ध्यान मंदिर की तरफ रहता है। 1 साल से उस पे स्टे लिया हुआ है, 1 साल में अधिकारियों ने कोई उसकी सुध नहीं ली कि हमने उसके डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में भेजने हैं। विधायक जी स्पेशल चंडीगढ़ हमारे साथ गए हैं उसके लिए कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, उसका प्रोसेस पूरा कराना है, लेकिन यहाँ निगम के अधिकारियों पे वो डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं हुए कि हम आगे उस प्रोसेस को बढ़ा पाएँ, स्टे ख़त्म हो पाए और स्कूल बन पाए। तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन बच्चों को लेके भी और उनके माँ बाप की भी, सभी की निकलती है कि ऐसा क्या हमारा निगम बिल्कुल इतना कमज़ोर, इतना लाचार हो गया कि एक स्कूल के लिए भी कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं तो उसमें फिर आज मैंने यही कहा कि शायद ये अधिकारियों की ही लापरवाही है कि जो लोग शायद उनको आराम से प्यार से बोलते हैं हमारे काम करिए तो शायद उनके काम नहीं होते, और जो लोग उनको अग्रेसिव होकर या फिर किसी और तरीके से बोलते हैं उनके हर काम हो रहे हैं। तो ये तो एक पार्षद के साथ, उन बच्चों के साथ, सबके साथ एक नाइंसाफी है, तो काम तो सबके होने चाहिए। आपकी बात सुनी पर सदन ने, विधायक जी ने या कमिश्नर ने? कमिश्नर सर ने उसके लिए बोला, अभी उसके लिए 21 अगस्त की डेट फिर से लगी हुई है कोर्ट में, तो कमिश्नर सर ने बोला है कि वो पर्सनल बेस पे उसको देखेंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो कंप्लीट कराएंगे। तो अब आगे उम्मीद है कि 21 अगस्त में देखते हैं आने वाली तारीख में उसके लिए क्या फैसला लिया जाता है। 4 साल 8-9 महीने शायद हो गए आपको पार्षद बने में, ओवरऑल खुश नजर आई हैं आप निगम के कामों से, निगम के अधिकारियों से? क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस था, आप राजनीति में नहीं थे, हाउसवाइफ थी और फिर निगम में पहुंची, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि निगम के हमारी तरफ, मतलब वार्ड में कोई काम नहीं हुए हैं। हमारे वार्ड में काम हुए हैं, नालियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं, गलियाँ बनी हैं, और भी काम हुए हैं, लेकिन जो काम हम लोग चाहते हैं कि प्रायोरिटी पे हो या जो काम ऐसे हैं कि जनता को दिखे कि हाँ ये काम हमारे लिए, हमारे पार्षद ने या हमारे निगम ने या हमारे सरकार ने किया है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम लोग नासंतुष्ट रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल, सरकार को बदनाम करने में इन अधिकारियों का कितना हाथ है? अभी पार्षद नीचे भी कह रहे थे किस मुंह से जाएंगे, ये अधिकारी ऐसे हैं इनकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है। देखिए, सरकार की तरफ से हमें हर चीज़ की पूरी सुविधा, पूरी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन शायद हमें अधिकारियों की तरफ से कोई कमी आ रही है या कहाँ पे कोई कमी रह रही है कि वो जो एक सुविधा है सरकार की तरफ से हमें मिल रही है वो हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। उसमें मैं एक बात कहूँगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, पिछले 5 साल से मैंने हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाया, आज हमारे जो एजेंडा थे उनमें मेयर की तरफ से या किसी की भी तरफ से ये एजेंडा नहीं था। बरसात का मौसम है, हम सब जानते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके घर टूटे पड़े हुए हैं, पानी टपकता है, लेकिन कोई सुध-बुध उन लोगों की नहीं है। घर टूट गए हैं, सिर्फ 5% लोगों को उनकी पेमेंट मिली है, और वो अगर मिली है तो वो कमीशन बेस पे मिली है। वो 5% भी उनमें से अगर 2.5 लाख आते हैं तो 40,000 निगम में देके तब उनको 2 लाख मिले। अच्छा, दोबारा इलेक्शन लड़ना हो पार्षद का, लड़ेंगी इलेक्शन? वो तो देखिए, समय की बात है, आगे जो समय कराएगा। आपका दिल क्या कहता है? जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं, प्रयास करेंगे आगे, बाकी जैसा पार्टी का, समाज का, लोगों का जैसा भी फैसला होगा उसी के साथ। चलिए, कोमल सैनी हमारे साथ है, वार्ड 11 की पार्षद हैं। खुल के बात और अंदर की बात यह है कि अधिकारियों से भी ये भी नाखुश नज़र आ रही है, और जो मुद्दा इन्होंने अंदर उठाया उस मुद्दे में ये बात कही थी जिनके 2-2 करोड़ रुपए के काम हैं या जो अग्रेसिव होके अधिकारी से बातचीत करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, और हम लोग जो इतने सालों से एजेंडा लेकर चल रहे हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। तो इस इंटरव्यू को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।